लौट आई तेजो। जी हाँ, आपको बता दें एक वीडियो सामने आ रहा है, BTS वीडियो सामने आ रहा है, अपकमिंग प्रोमो का BTS वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें तेजो नजर आ रही है। साथ साथ तेजो एक दीवार पर फतेह लिखती नजर आ रही है, यानी तेजो की याददाश्त खो गई है। तेजो पूरी तरह से जो है इसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो बता दें आपको, बहुत जल्द होने वाली है तेजो की वापसी, जो कि मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई गई है, मेंटल असाइलम में दिखाई गई है, जो कि आप शो में देखने वाले हैं। वही बात करें शो की कहानी अब तेजो के बाद आने से क्या मोड़ लेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो वहीं एक तरफ जैस्मीन का असली चेहरा नजर आ रहा है, जिसमें एक प्रोमो सामने आया है कल के एपिसोड में, जहां आप देखेंगे जैस्मीन से फतेह कहता नजर आएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसने वादा कर दिया कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो जिस तरह से फिर उसके बाद में जैस्मीन का असली चेहरा नजर आ गया, अब कहानी बहुत तेजी से पलटती नजर आने वाली है, जहां जैस्मीन का असली चेहरा नजर आएगा। जैस्मीन ने कैसे बड़ी प्लानिंग के साथ, कैसे जैस्मीन ने तेजो को ठिकाने लगाया, कैसे जैस्मीन ने अमरीक को ठिकाने लगाया, कैसे उसने सारी प्लानिंग करी, सब कुछ जो उसने अंगद के साथ मिलकर किया, ये सारा सच सबके सामने बहुत जल्द आने वाला है। वही एक तरफ तान्या ही क्या तेजो है, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कैसे किस तरह से आखिरकार तेजो तान्या बनी, कैसे वो जैस्मीन का खुलासा करने के लिए सबके सामने आई है, तान्या बनकर रह रही है, तान्या गिल बनकर रह रही है। वहीं आगे शो में जहां आप देखेंगे जैस्मीन का भाड़ा बहुत जल्द जो है तान्या फोड़ती नजर आएगी। तान्या ने अभी मुझे फतेह को जो है बोलना शुरू कर दिया है कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका पूरी तरह से चाल रूप चरण सब कुछ जो है चेंज होता नजर आ रहा है, लंदन में बिल्कुल अलग थी और यहाँ अलग है। फतेह क्या तान्या की बात पे ध्यान देगा या नहीं देगा, या फिर उसकी बात को इग्नोर कर देगा, क्या करेगा फतेह, क्या होगा फतेह का बड़ा फैसला, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। पहले आपको क्या लगता है, क्या ये जो तेजो दिखाई गई है मेंटल, उसमें जो दिखाई गई है तेजो एक जिसकी दिमागी अलग ठीक नहीं है, जो पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो गई है, उसे सिर्फ याद है, तो फतेह जिसका वो नाम लिख रही है और वो यही सोच रही है कि आखिर ये कौन है फतेह जिसका उसे नाम याद है, और वो कैसे फतेह के पास पहुंचे जो ये सोच रही है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये कौन है, किसने उसे वहां पहुंचाया, किसकी थी ये साजिश, किसने करा ये बड़ा काम, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।